क्या हुआ जब छत्तीसगढ़ के इस गांव में साईं बाबा की मूर्ति अचानक से धरती फाड़ कर निकली और भक्तों के सामने बोल पड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो अलौकिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव में हुई घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी साईं बाबा के भक्त बन जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जमीन फाड़ कर इस भगवान की मूर्ति यहाँ से निकली, लेकिन जो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रतिमा को बोलता देख सभी लोग हैरान हो गए। वह इतना डर गए कि वह पूजा करने के बजाय पुलिस को बुलाने लगे। छत्तीसगढ़ के निवासी चंदोलकर जी साईं बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो हमेशा दूसरों से साईं बाबा को लेकर और भगवान को लेकर बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन उनका बात सुनने के बाद सभी लोग हंसते थे। कुछ लोग तो उसे पागल भी कहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग उनका इज्जत नहीं किया करते हैं, बस लोग उनकी बात सुनकर उनको पागल समझते थे। जैसा कि चंदोलकर जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें साईं बाबा का हर रोज पूजा करना था और चंदोलकर जी को साईं बाबा के मंदिर में ही जाकर पूजा करना अच्छा लगता था। गांव में साईं बाबा की मंदिर ना होने के कारण चंदोलकर जी को दूसरे गांव में जाकर साईं बाबा की मूर्ति के सामने पूजा करनी पड़ती थी। एक दिन जब वह सुबह मंदिर के लिए निकले तो सुबह वहाँ पर रास्ते में एक गड्ढे में उनका पैर धंस गया। वह उसी में हपट गए, जिससे उनके पैर में बहुत ही ज्यादा मोच आई। मोच की वजह से चंदोलकर जी को चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी। फिर भी वह जैसे तैसे मंदिर गया और पूजा किया। मंदिर के पुजारी व अन्य लोग जो चंदोलकर जी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, उन्होंने मोच को ठीक होने तक चंदोलकर जी को घर में ही रहने को कहा, लेकिन चंदोलकर ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज उसी दर्द में मंदिर जाता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, साईं बाबा को अपने भक्त की पीड़ा ज्यादा देखी नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन जब चंदोलकर जी रात को सो रहे थे, तो अचानक उनके सपने में साईं बाबा आए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। सपने में चंदोलकर जी ने देखा कि वहीं पर उसी मंदिर के नीचे साईं बाबा जमीन में धसे पड़े हैं और वह दर्द में बहुत ही ज्यादा छटपटा रहे हैं। चंदोलकर जी की तुरंत ही आँख खुल जाती है और जब उनकी आँख खुलती है तो वह सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह होती है तो वह अपने गांव के लोगों को जुटाता है और अपने सपने के बारे में सभी लोगों को विस्तार से बताता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो गांव के लोग उसे पागल समझते थे, वो सभी लोग साईं बाबा की भक्ति देखकर सभी गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और सभी लोगों ने फरसा और कुल्हाड़ी लेकर उस स्थान पर गए जिस स्थान पर चंदोलकर जी ने सपना देखा था। सभी लोग वहां पर खुदाई करने लगे। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन गांव वालों को कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ लोग उन्हें चिल्लाने लगे और कुछ लोग तो चंदोलकर जी को ये कहने लगे कि हमने खामखा ही इसके बातों पर विश्वास किया। लेकिन चंदोलकर जी को विश्वास था कि उनका सपना झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने गांव के लोगों को आसपास फिर से खुदाई करने को कहा, लेकिन गांव के लोग वहां उसे पागल बोलकर जाने लगे। तभी अचानक जो वहां पर हुआ उसे देखकर तो पूरा गांव ही डर गया। अचानक से वहीं पर एक पत्थर के नीचे बचाओ बचाओ की बहुत तेज आवाज आने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि लोग आसपास के सभी लोग डर गए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर जाके वह पत्थर हटा दे, लेकिन चंदोलकर जी ये बोलकर वहाँ पत्थर की तरफ भागने लगे कि तुम चिंता मत करो मेरे साईं बाबा, मैं आ रहा हूँ। अपने पैर के दर्द के साथ वह बहुत ही बड़े पत्थर के सामने दौड़ने लगा। तभी गांव वाले सभी लोग उसे पकड़ लिए। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन गांव के लोग डर के मारे उसे भी पत्थर के पास नहीं जाने दे रहे थे। गांव के ही किसी इंसान ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को जब पूरा मामला पता चला तो वो भी वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने भी जब वहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वह भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत वहाँ पर आनन फानन से एक जेसीबी मंगाया और वहाँ पर से पत्थर हटवाया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सच में साईं बाबा की प्रतिमा पड़ी हुई है। गांव वालों ने तुरंत ही वहाँ पर उस साईं बाबा की मूर्ति को उठाए और वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास वहाँ पर स्थापना कर दिए। जब प्रशासन को इसके बारे में पता चला तो वहाँ पर साईं बाबा का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आज के दिन और प्रतिमा मिलने के दिन से कोई भी चंदोलकर जी को पागल नहीं समझते, बल्कि अब तो लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी ये सच्ची घटना को सुनकर साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त बन चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।